कोलकाता में निर्भया कांड, सर से पांव तक किया लहूलुहान, पहले बनाया हवस का शिकार, फिर उतारा मौत के घाट। कहते हैं भगवान के बाद दूसरा नाम अक्सर डॉक्टर का लिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही हैं जो मसीहा के रूप में हमें जीवन दान देते हैं। इसलिए ज्यादातर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनकर देश की सेवा करें। ऐसा ही सपना डॉक्टर मौमिता देवनाथ के माता पिता ने भी देखा था, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना जीवन के सबसे डरावने मंजर में बदल जाएगा। जी हाँ, कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सेमिनार हॉल में जब मौमिता के परिजनों ने अपनी बेटी को निर्वस्त्र हालत में मृत देखा, तो उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सारे सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि मौमिता का रेप कर हत्या की गई थी। मौमिता पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी, वो द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा थी और चेस्ट मेडिसिन विभाग में हाउस स्टाफ के रूप में भी काम कर रही थी। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि मौमिता उस वक्त अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी जब उसके साथ ये घटना घटी, जो कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। जिस अस्पताल में डॉक्टर ही सुरक्षित ना हो तो फिर मरीज भला कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? सड़क से लेकर दुकानों तक में सीसीटीवी लगे होते हैं, फिर भला आरजीकर मेडिकल अस्पताल में सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया गया? अस्पताल के कर्मचारियों ने दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल की आपातकालीन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर मौमिता का शव देखा। शहर के पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल भी अस्पताल परिसर में पहुंचे। अस्पताल से जुड़े कुछ डॉक्टरों ने बताया कि मृतक डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे थे और शव अर्धनग्न अवस्था में था। शरीर की स्थिति को देखकर उन्होंने रेप की आशंका जाहिर की। देर शाम तक हंगामा चलता रहा। लगभग 10 घंटे के प्रदर्शन, धरने और बहस के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं बंगाल के विभिन्न अस्पतालों में इस घटना के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि दोषियों को तुरंत सजा दी जाए, नहीं तो वे काम नहीं करेंगे। आर्जिकल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर का कहना है कि वो अस्पताल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आर्जिकल अस्पताल ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कई अस्पतालों में भी हंगामा व प्रदर्शन जारी है। राजनीतिक पार्टियां भी इस जंग में कूद पड़ी हैं। भाजपा, कांग्रेस, माकपा दल द्वारा बंगाल में महिला सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं मौमिता के माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी अर्धनग्न हालत में थी। जहां से शव मिला वहां सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। अगर वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो शायद मौमिता आज उनके बीच होती। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम संजय रॉय बताया जा रहा है, जो उस अस्पताल का ड्यूटी होम गार्ड है। सेमिनार हॉल में एक फटा हुआ ब्लूटूथ केबल मिला है, उसी फटे तार के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया गया है। मगर यहाँ सवाल महिला की सुरक्षा का है, आखिर कब तक निर्भया, मौमिता जैसी कई महिलाएं हवस का शिकार बनती रहेंगी, उनके सपने, उनकी जिंदगी उनसे छिनती रहेगी? आखिर रेप जैसे शब्द पर कब विराम लगेगा? आखिर सरकार, प्रशासन, कानून कब सख्ती दिखाएगी? बात करें बंगाल की तो इस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, फिर भी यहाँ कोई पुलिस सुरक्षा नहीं है। एक के बाद एक महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। समय आ गया है कि हम सभी एक होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, नहीं तो यूं ही महिलाएं इन दरिंदों का शिकार बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24।